हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लैप्स ऑफ एंड ऑफर। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सीरीज की फोर्थ वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं कि लैप्स ऑफ एंड ऑफर होता क्या है। जब भी हमारा कोई ऑफर एक्सपायर हो जाता है या फिर हम उसे टर्मिनेट कर देते हैं, टर्मिनेट मतलब कैंसिल कर देते हैं, तो वो हमारा होता है लैप्स ऑफ एंड ऑफर। अब जो लैप्स ऑफ एन ऑफर जो होता है उससे क्या होता है कि जो हमारा ऑफर होता है वो एक्सपायर हो गया, टर्मिनेट हो गया, जिससे कि हम उस ऑफर की एक्सेप्टेंस भी नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। तो हमारे ऐसे 7 सर्कमस्टांसिस होते हैं जिस केस में हमारा लैप्स ऑफ एन ऑफर होता है और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा एन ऑफर लैप्स आफ्टर स्टिपुलेटेड और रीजनेबल टाइम। अब एक हमारा जो ऑफर है उसका एक टाइम होता है, उसी टाइम के अंदर हमें जो है उसे कम्युनिकेट करना पड़ता है दूसरी पार्टी को। अगर वो प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर या फिर रीजनेबल टाइम के अंदर नहीं दिया गया तब हमारा वो जो ऑफर होता है वो कैंसिल हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, एक तो प्रिस्क्राइब टाइम, एक होता है रीजनेबल टाइम। प्रिस्क्राइब टाइम क्या है कि जैसे उसमें हमें बताया होता कि टाइम कितना है। ए ने कह दिया बी को कि मैं अपनी बाइक तुम्हें सेल करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें खरीदनी है तो मुझे 4 दिन के अंदर अंदर तुम बता देना। तो ये 4 दिन क्या था, एक प्रिस्क्राइब टाइम था। ए ने टाइम बता दिया था कि 4 दिन के अंदर अंदर उसे बताना है। रीजनेबल टाइम क्या है, अब यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पे 8 जून को उसने कहा था कि मुझे इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, लेकिन कंपनी ने उसे 23 नवंबर को इन्फॉर्म किया कि हम आपको शेयर की अलॉटमेंट कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसने कैंसिल कर दिया, मना कर दिया कि मैं आपके शेयर्स नहीं खरीद रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे टाइम का जो गैप था वो काफ़ी ज़्यादा था। 8 जून को उसने इन्फॉर्म किया था कि मैंने आपके शेयर्स खरीदने हैं और 23 नवंबर को कंपनी ने इन्फॉर्म किया कि हम आपको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। तो यहां पे जो टाइम गैप था वो ज़्यादा था, एक रीजनेबल टाइम के अंदर हम रिप्लाई नहीं कर पाए तो हमारा ऑफर जो है वो कैंसिल हो गया। सेकंड है हमारा एन ऑफर लैप्स बाय नॉट बीइंग एक्सेप्टेड इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड और इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। अब यहां पे भी हमने दो चीजों की बात की है, या तो हमें रिप्लाई चाहिए जिस मेथड में हमने बताया है उसमें, या फिर किसी रीजनेबल मेथड में। ये हमारा डिफाइन है सेक्शन 7 के अंडर कि ऑफर जो होता है वो तब तक एक्सेप्ट नहीं होता जब तक वो किसी मोड प्रिस्क्राइब में ना बताया हो। अब मान लीजिए कि यहाँ ए ने कह दिया बी को कि मैं तुम्हें बाइक बेच रहा हूँ, तो अगर तुम्हें ये खरीदनी है तो तुम मुझे बाय हैंड एक लेटर लिख देना कि तुम्हें ये बाइक खरीदनी है। अब उसने क्या कहा था कि मुझे बाय हैंड एक लेटर लिख देना। अब बी ने किया, लेटर नहीं लिखा, उसने उसे मेल डाल दी। तो यहाँ पे क्या था, जो मोड प्रिस्क्राइब था उसमें उसने नहीं किया था इन्फॉर्म उसे, तो यहाँ पे जो ऑफर था वो कैंसिल हो गया। अब रीजनेबल मैनर क्या है, मान लीजिए आपको ऑफर किया गया, जिस मेथड या जिस मोड में आपको ऑफर किया जा रहा है आप उसी मेथड और मोड में उसे रिप्लाई कर दो, तो वही आपका एक रीजनेबल मैनर माना जाता है। अगर आपको प्रिस्क्राइब नहीं है, अगर बोलने वाला स्पोकन में बोल रहा है और वो कह रहा है कि आप मुझे एक्सेप्टेंस रिटन में दो, तो आपको उसी में देनी है क्योंकि यहाँ पे उसने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आपने एक्सेप्टेंस कैसे देनी है। अगर उसने प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो रीजनेबल मैनर वही माना जाएगा, जिस मैनर में मैं ऑफर कर रहा है उसी मैनर में आप अपनी एक्सेप्टेंस दे दो। थर्ड है हमारा एन ऑफर लैप्स बाय रिजेक्शन। अब रिजेक्शन के हम यहाँ दो केसेस पढ़ेंगे, सबसे पहला रहेगा हमारा एक्सप्रेस, दूसरा रहेगा हमारा इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कैसे कि मान लीजिए उसने वर्ड्स रिटन या स्पोकन में कहा था, उसी केस में उसे मिल गया। अब जैसे मान लीजिए ए ने बी को कहा था कि मैं तुम्हें अपनी बाइक सेल करने वाला हूँ 20,000 रुपये में, बी ने उसे मना कर दिया कि मैं तुम्हारी बाइक नहीं खरीदना चाहता हूँ, चाहे वो रिटन में हुआ चाहे वो ओरल हुआ। तो यहाँ क्या हुआ, एक्सप्रेस हो गया, बी ने अपना रिप्लाई कर दिया वहाँ पे कि मुझे आपकी बाइक नहीं खरीदनी है। अब दूसरा है केस इम्प्लाइड का, इम्प्लाइड में भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है काउंटर ऑफर और एक है कंडीशनल एक्सेप्टेंस। काउंटर ऑफर होता है कि जब हमारा ओरिजिनल ऑफर ख़त्म होके एक नया ऑफर क्रिएट हो जाता है। जैसे यहाँ पे पहली एग्जांपल है काउंटर ऑफर की, ए ने ऑफर किया था बी को कि वो अपना उसे घर बेचेगा 90,000 में, बी ने ऑफर कर दिया कि वो 80,000 में खरीदेगा। अब यहाँ पे क्या था, ओरिजिनल ऑफर क्या था ए की तरफ से 90,000 का, लेकिन बी ने क्या ऑफर कर दिया,
80,000 का, तो यहाँ पे ओरिजिनल ऑफर खत्म होके जो कि था 90,000 का, एक न्यू ऑफर बन गया जो कि था 80,000 का। अब यहाँ पे ए ने रिफ्यूज कर दिया वो घर सेल करने को, तो वो क्या हो गया, लैप्स बाय रिजेक्शन। इम्प्लाइड का सेकंड केस है कंडीशनल एक्सेप्टेंस। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ए ने ऑफर किया कि वो उसे मोटर कार सेल करेगा 85,000 ने। बी ने कहा कि वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा अगर वो उसे जो है फैक्ट्री का जनरल मैनेजर अपॉइंट कर देगा। अब यहाँ पे क्या है, उसने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे दी कि ठीक है अगर तुम मुझे जनरल मैनेजर बनाते हो तभी मैं इस बाइक को खरीदूंगा। तो यहाँ पे ये जो कंडीशनल एक्सेप्टेंस थी उसने ए ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें जनरल मैनेजर नहीं बना रहा, तो यहाँ पे लैप्स बाय रिजेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। फोर्थ पॉइंट है हमारा, एन ऑफर लैप्स बाय डेथ और इनसेनिटी ऑफ द ऑफरर और ऑफरी बिकम एक्सेप्टेंस। मतलब कि या तो जो ऑफरर था वो तो उसकी डेथ हो गई, वो मर गया, या फिर वो पागल हो गया उस ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले पहले। ए ने बी को ऑफर किया था कि वो उसकी कार उसे बेचेगा। अब इससे पहले कि बी उस ऑफर को एक्सेप्ट करता, या तो ए की डेथ हो गई या फिर ए पागल हो गया। तो इन दोनों केसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वहीं खत्म हो जाएगा। सिक्स पॉइंट है हमारा, रेवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। अगर हमने ऑफर के साथ जो कंडीशन दी है अगर वो फुलफिल नहीं हो रही है तो हमारा ऑफर जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ए ने ऑफर किया है, ए ने अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं। ए ने ऑफर किया बी को कि वो अपना उसे स्कूटर बेच देगा 4,000 रुपये में अगर वो लाइन क्लब 1 वीक के अंदर अंदर ज्वाइन कर लेता है। अगर बी उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो लाइन क्लब को ज्वाइन नहीं करता है तो उसका जो ऑफर है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये ए ने ऑफर किया है, ए अपना स्कूटर बेच रहा है, साथ साथ में कंडीशन दे रहा है उसे कि तुम्हें लाइन क्लब में भी एंटर होना है। लेकिन जो हमने ये पीछे केस पढ़ा है कंडीशनल एक्सेप्टेंस, इसमें ए नहीं बी पार्टी दे रही थी कंडीशन कि ठीक है मैं तब भी तुम्हारी मोटर कार खरीदूंगा अगर तुम मुझे जनरल मैनेजर बनाओगे। तो इस केस में ये बी पार्टी कर रही है, लेकिन वहां वहां ए ऑफर दे रहा है कि मैं तुम्हें अपना स्कूटर बेच दूंगा अगर तुम लाइन क्लब में एंटर हो जाते हो। तो इस दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। सेवन्थ है हमारा बाय चेंज इन लॉ। अगर समटाइम्स क्या होता है कि अगर हमारे लॉ में किसी भी तरह के कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिससे कि हमारा जो ऑफर है वो इलीगल और इनकैपेबल बन जाता है परफॉर्मेंस के, तो वो भी हमारा ऑफर जो है वो लैप्स माना जाएगा। अब यहाँ पे ऑफर जब दिया जाता है तब वो इलीगल नहीं है, उस ऑफर की परफॉर्मेंस के टाइम में अगर वो इलीगल हो जाता है तब वो ऑफर जो है वो कैंसिल माना जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अमित ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था सुमित के साथ कि वो उसकी गुड्स जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर पास कर दिया जिसमें कुछ ट्रकों को उन्होंने कन्फिस्टिकेट कर लिया, इसका मतलब है कि जब्त कर लिया। उसमें जो है एक अमित का ट्रक भी इंक्लूड था, तो क्या हुआ कि अमित का ट्रक भी उन जब्त किए गए ट्रकों में होने की वजह से वो सुमित की जो गुड्स हैं उसे वो टाइम पे नहीं पहुंचा पाया। तो यहाँ पे जो अमित है वो हम उसे लायबल नहीं मान सकते कि उसने अपनी नॉन परफॉर्मेंस नहीं दी। अगर सरकार उसके ट्रक को जब्त नहीं करती तो वो सुमित की डिलीवरी टाइम पे कर देता। थैंक यू दोस्तों, यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।